चार साल के लिए भर्ती बोली गई है वो सर कृपा करके सभी सरकार के साथ हाथ जोड़ के विनती की जाती है वो तोड़ दें, क्योंकि अभी संजुआ में 2 साल से पहले भर्ती होगी थी, रनिंग भी होगी, मेडिकल भी हो गया, रिटर्न का कोई वो नहीं है अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई रिटर्न की। हम यही चाहते हैं, गवर्नमेंट सरकार से यही प्रदर्शन करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा रिटर्न के लिए वो नोटिफिकेशन निकालेंगे। प्लीज कृपा करके ये 4 साल का जो पहली भर्ती होती थी वैसे भर्ती होने चाहिए, हमें यही चाहिए, यही प्रोटेस्ट है। जब तक वो 4 साल के लिए नहीं तोड़े जाएंगे तब तक ये चलेगा, प्रोटेस्ट चलेगा, जम्मू तक चलेगा, जम्मू सिटी तक चलेगा। 2 साल से पोस्टपोन करते जा रहा और अब आगे बोल रहे कि कैंसिल हो गया, सर अब हम कहां जाए, हमें कोई इंसाफ चाहिए। सर मेरा नाम तरुण है, सर मैं कठुआ का रहने वाला हूँ। ये प्रोटेस्ट हम TOD के लीडर अपने एग्जाम के लीडर कर रहे हैं, जो कि हमारे 2019 में भर्ती हुई थी, आज तक उसका कोई ना ही रिटर्न हुआ, हमारा फिजिकल प्लस मेडिकल क्लियर हो चुका है। हमें बार बार रिटर्न एग्जाम की डेट दी जाती है कि इस महीने होगा, 8 बार हमें डेट दे चुकी है, अभी तक रिटर्न नहीं हुआ। उसके बाद भी ये TOD लागू कर दी गई है, TOD के लिए 4 साल के लिए बोले कि 4 साल के लिए भर्ती करेंगे, 4 साल के लिए हम कॉलेज जाएंगे, उसके बाद हम कराटे क्या करेंगे, फिर हम वही तो हमें वही चलेगा, श्रीनगर वाला इधर ही होगा ना, फिर जैसे ही गोली उधर सीखी हमें इधर सीखी, वो तो गद्दार ही बनेंगे ना हम भी देश के लिए। 4 साल। मेरा नाम दिव्यांश गुप्ता। दिव्यांश गुप्ता कहाँ के रहने वाले हो? मैं यहाँ पे क्या कहते हैं कटुआ रहने वाला हूँ। तो अभी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये हम अपना हक मांग रहे हैं, जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था सुंजमा में, एग्ज़ाम होने वाला था सुंजमा में, हमने फिजिकल टेस्ट क्लियर किया, उसका मेडिकल क्लियर किया, उसके बाद हमारा 25 अप्रैल को रिटर्न टेस्ट था, उस वक्त हमारा पोस्टपोन हुआ, फिर हमें जून महीने हमें ARO जम्मू बुलाया गया एडमिट कार्ड दिलाने के लिए, फिर उसके बाद हम एडमिट कार्ड लेने गए, उसके बाद जुलाई महीने हमारा पेपर था, 1 दिन पहले हमारा पोस्टपोन हो गया, फिर उसके बाद हमारा डेट के ऊपर डेट आई जाए, फिर उसके बाद हमारा वो कर पोस्टपोन किया जाए, और 1.5 साल बाद हमें बता रहे हैं कि आपका वो पेपर कैंसिल हो गया। इसके 60 बच्चों ने सुसाइड कर दिया, इसके बताओ कौन जिम्मेदार होगा, उनके माँ बाप के ऊपर कौन क्या गुजरी होगी। 2019 में सर आर्मी के फॉर्म लगे थे सर, 2019 में सर, उसके बाद 1.5 साल के बाद सर रैली हो रही है हमारी सर, 1.5 साल के बाद 2020 में रैली होगी सर, तो सर फरवरी 2029 हमने अपना फिजिकल किया और मेडिकल, सर उसके बाद 1.5 साल हो गया सर हमारा रिटर्न नहीं हुआ सर, सर 6 साल बाद सर इंटर के एग्जाम की डेट आई सर, सर वो कैंसिल, बाकी सब देश में रिटर्न हो रहे हैं और सिर्फ आर्मी का कैंसिल हो रहा है वो कोरोना की वजह से। अरे कौन सी गवर्नमेंट है सर बताइए सर हमको, 4 साल में सर एक रैली करवा रहे हैं सर, हम पागल थोड़ी हैं सर, इतनी गर्मी प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, जो इधर ऊपर से सर हमारा न्यू रूल निकाल दिया 4 साल के लिए TOD, कौन सी गवर्नमेंट है सर ये, 4 साल के TOD बंदे 4 साल की भर्ती कर रही है,
अपने सर बोर्ड लेके सर अंदर बैठ जाते हैं, एसी बैठ के सर। हम सर नेताओं के बच्चे नहीं है सर, गरीब बच्चे हैं सर हम। नेता को बच्चे हैं ना, उनको बोलिए 1600 मीटर में ना गुड में ना एक्सीडेंट छोड़िए, गुड में रनिंग करके कम्प्लीट बताइए तो बताइए सर 1600 मीटर दौड़ लगाने के लिए सर आर्मी की सर। कुछ सर एसी में बैठ जाते हैं बोर्ड लेके सर, दूसरे बच्चों के क्या, आम नेता मरती रहे रोड़े प्रोटेस्ट करे, कोई बाह मरे कोई फांसी लगाए सर, पागल तोड़िए सर हम कोई सर प्रोटेस्ट करने के लिए। सर कौन सी गवर्नमेंट है टी ओडी 4 साल के निकाल रही है, पागल है सर हम कोई, हमारे घर वाले सर कैसे कैसे। देखो हमें कुछ नहीं चाहिए, एक पुलिस वाले को इधर लाओ, एसएसजी को, उनको बोलो आप 4 साल आर्मी की नौकरी करो और अपने वाले हमारे दे दो, हम कुछ नहीं कहेंगे, करके दिखाओ एक बार क्या होता है पुलिस और उसमें आर्मी में क्या फर्क है, अपनी बस एक बार जे करके दिखाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए। साल की होनी चाहिए सर, स्कीम लेके आई है सरकार, वो बिल्कुल गलत है सर। उसमें सर अगर गवर्नमेंट का सर बजट कम कर रहे हैं ना, बजट कम पड़ रहा है तो सर घर में एमपी नेता बैठे हैं उनकी पेंशन काटो ना। अब एक साल एक बार मत सर, अरे मैं खुद एक गरीब घर का लड़का हूँ, मेरे बाप की टांग को लगी है, 20 लाख रुपया लगा दिया ठीक है, और उधर से मैं कब से आस में बैठा था कि आर्मी में जाना सर, इधर कुछ नहीं हुआ 4 साल में, मैं क्या क्या करूँगा बताओ मेरे को। मोदी सरकार अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं जो आज की डेट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। थोड़ी देर के लिए इनने रोड भी ब्लॉक किया जो हमने खुलवाया, और इनको समझाया कि रोड हम किसी भी सूरत में या पब्लिक प्लेस कोई भी यूटिलाइज़ नहीं करने देंगे प्रोटेस्ट के लिए। इस तरीके से जो इनकी पीसफुल प्रोटेस्ट है, जैसे बच्चों से मेरी बात हुई है, इनको मैंने बोला कि आप अपनी मेमोरेंडम अपनी रिप्रेजेंटेशन जो भी है रिगार्डिंग आपके कंसर्न की जो आपका है आप मुझे दे दें, मैं डीसी साहब को ये सबमिट करूंगा, और उसमें कहीं ना कहीं जहां पर इनका कंसर्न जिस अथॉरिटी के साथ है वो वहां पहुंच भी जाएगा और इनके कंसर्न जो है अथॉरिटी के सामने रखे भी जाएंगे। बच्चों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो पब्लिक प्लेस पे इतना प्रोटेस्ट ना करें, अपना जेन्युइन जो डॉक्यूमेंट है वो मुझे दें ताकि मैं डीसी साहब को जमा करवा सकूँ उसको, अदरवाइज़ यहाँ पर प्रोटेस्ट करके ये चले जाएँगे तो जैसे मैंने इनको बोला उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा इनको। तो इससे जो हमारी आम जनता है जो रोड पे ट्रैवल कर रही है हाईवे पे, उनको भी दिक्कत आती है, उसमें बूढ़े बुज़ुर्ग बच्चे और बीमार लोग भी होते हैं, और इतनी गर्मी में ये काफ़ी परेशानी वाला इशू बन जाता है सबके लिए। बच्चों से मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी जो भी कंसर्न है प्लीज़ मुझे रिटर्न में दें ताकि आपका कंसर्न में कंसर्न अथॉरिटी को जमा करवा सकूँ। देखिए रोड हमने ब्लॉक करने नहीं दिया है, हाईवे या कोई भी रोड हो उस पर गाड़ियाँ चलती हैं, तो रोड हम किसी भी सूरत में ब्लॉक नहीं करने देंगे किसी को।